पुल्लिंग प्रसार हार धवला या सुख वस्त्रधृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्तिर्भे देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच मंच पर उपस्थित परम सम्मानित राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के यशस्वी प्रांतीय अध्यक्ष शारदे आदरणीय बड़े भाई साहब श्री राम सिंह चौहान जी, परम सम्मानित मंचासीन मेरे बड़े भाई उपाध्यक्ष के रूप में राजकुमार चौधरी जी, परम सम्मानित संयुक्त मंत्री मेरे बड़े भाई श्री जगदीश सिंह बिष्ट जी, परम सम्मानित प्रांत कोषाध्यक्ष अनु लक्ष्मण सिंह सजवान जी, प्रांतीय मीडिया प्रभारी के रूप में अनुज प्रणय बहुणा जी, परम सम्मानित गढ़वाल मंडल मंत्री के रूप में मंचासीन मेरे प्रिय अनुज हेमंत पैरूरी जी, मंच पर उपस्थित कुमाऊं मंडल के जो है मंडल मंत्री आदरणीय डॉक्टर कैलाश डोलिया जी, परम सम्मानित उत्तराखंड की पहली प्रांतीय कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष का दायित्व निभा चुकी वंदना चौधरी जी, सभागार में उपस्थित जिलाध्यक्ष उद्यम सिंह नगर अनुज दीपक शर्मा जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व का अवसर है। जनपद कार्यकारिणी नैनीताल के द्वारा हमारे लिए इस गौरवपूर्ण क्षण को जो है आमंत्रित किया गया, सम्मान के रूप में आपने हमें यह सम्मान दिया। मैं अपनी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, 7 जुलाई को हमने प्रांतीय कार्यकारिणी के रूप में शपथ ग्रहण की और सबसे पहले आपने देखा होगा 10 तारीख को जितने भी स्थानांतरणों में प्रत्यावेदनों के निस्तारण होने थे, क्योंकि हमने देखा निदेशालय में बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत परेशान हमारे शिक्षक साथी थे, तो 10 तारीख को एक आदेश जारी करवाया कि जब तक प्रकरणों का निस्तारण नहीं होता है सभी अपने मूल विद्यालय में बने रहेंगे। विभिन्न जनपदों में बहुत अच्छे ढंग से इसका कार्य हुआ। अभी तक बहुत से साथी जिनके प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ वो अपने विद्यालयों में बने हुए हैं। कहीं पर फलित पद के प्रति कार्यभार ग्रहण करने के कारण वेतन की दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन जितना भी समस्या का निदान उत्तराखंड स्थानांतरण एक्ट के अधीन हो पाएगा प्रांतीय कार्यकारिणी उसमें अपना 100% योगदान देगी, ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। जितने भी नियम के अनुकूल होगा, जब आप एक्ट के नियम 22 में लिखते हैं कि 1 सप्ताह में हम सभी का निस्तारण कर देंगे, तो आज 1 माह 1.5 माह हो गया और अभी तक उन प्रत्यावेदनों पर ढंग से विचार भी नहीं हुआ। कुछ का गलत निस्तारण कर दिया और कुछ का अपने अनुसार निस्तारण कर दिया और कुछ का नियम के अंतर्गत होना था वह भी अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया। लगातार प्रांतीय कार्यकारिणी के संज्ञान में जितने भी तथ्य लाए गए, अपर निदेशक मुख्यालय, अपर निदेशक कुमाऊं, अपर निदेशक गढ़वाल, निदेशक महोदया माध्यमिक शिक्षा और महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, आपके साथ लगभग 4 या 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। किस प्रकार से प्रत्यावेदनों का निस्तारण होना है और भविष्य में इस मंच के माध्यम से मैं यह भी आश्वस्त कर देता हूँ, सबसे पहले पारस्परिक स्थानांतरण करवाए जाएंगे, आधी समस्या का निदान वहीं हो जाएगा और उसके बाद अन्य स्थानांतरण करवाए जाएंगे।
एक्ट में जो भी प्राविधान है उनको बहुत बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में सरकार जिस दिशा में एक्ट के रूप की स्थान पर नियमावली के कार्य योजना में लगी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि वो नियमावली शायद हमारे लिए कारगर हो, क्योंकि आपने जो पैटर्न अपनाया है वो एक मैदानी राज्य का है, हरियाणा का, मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी हमारे लिए लाभदायक होगा। इसलिए उत्तराखंड के लिए जो नियमावली बनेगी, हमारे जनपद अध्यक्ष मंत्री और मंडल कार्यकारिणी के द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उसके आधार पर जो है नियमावली आगे के लिए तैयार होगी। अभी हमने अपने स्तर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से, महानिदेशक महोदय से, सचिव, अपर सचिव, हर स्तर पर इस बात को रखा कि अगर आपने पारस्परिक स्थानांतरण कर लिया होता आधी समस्या का निदान हो जाता, अगर आपने दुर्गम में रहने की अनुमति दे दी होती 90% समस्या का निदान हो गया होता, लेकिन आपने इस समस्या को ज्यादा उलझाया हुआ है, कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, प्रांत कार्यकारिणी जिस दिशा और जिस दशा में कार्य कर रही है, अब तक बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले थे लेकिन इन स्थानांतरणों की वजह से इतनी दिक्कत खड़ी हो गई कि और हम अपने जो मूल कार्य थे वो भी नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत है, हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस मंच से पुनः स्पष्ट कर दूं, जिन साथियों के 10 विकल्प थे और वो 10 विकल्प मिल गए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति है। लेकिन जो साथी विकल्प नहीं दे पाए, उन्हें यह भी पता नहीं था कि स्थानांतरण में नाम आ भी रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनसे विकल्प ले लिया जाए और जहां भी दुर्गम में पद रिक्त है उस पर किया जाए। इस पर हम अपने जनपद कार्यकारिणियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, और मेरा प्रयास है कल उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलीय कार्यकारिणी कुमाऊं के निवेदन पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमने समय लिया है, मुझे लगता है उन्होंने कल हमारे उद्घाटन सत्र में आना है, कुछ न कुछ बातें हम इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करवाने का और प्रयास करेंगे, क्योंकि अपर निदेशक मुख्यालय निदेशक महोदया का कहना है एक्ट से हमारे हाथ बंधे हैं, हम इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस दिशा में अगर संगठन को पहल करनी है तो हमें सरकार को अपने पक्ष में लाना है, और कैसे लाना है ये भी हम जानते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मेरा सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि जब आपने जिम्मेदारी हमें दी है प्रांत कार्यकारिणी को, तो कहीं भी व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी अनर्गल तथ्य, अनर्गल बात कदापि ना रखी जाए। संगठन को मजबूती मिलेगी और संगठन की मजबूती के लिए हमारा एकजुट रहना जरूरी है। मैं नहीं समझता हूं पूर्व में जो कार्यकारिणियां थी उन्होंने अपनी ओर से कोई कमी की, किया होगा मित्रों, कोई अपने लिए कमी नहीं चाहता, किया होगा उन्होंने भी प्रयास, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम हैं तो हम अपने स्तर पर अपना 100% देंगे, ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूं। अभी तक की गतिविधियों को आपने देखा है, जितने भी हमारे अटल उत्कृष्ट थे, ग्रीष्म अवकाश में कार्य किया, एएल का आदेश निकलवाया, जितने लोगों ने प्रतिभाग किया अल्मोड़ा जो है अधिवेशन में उनके लिए पत्र निर्गत करवाया, यात्रा अवकाश के लिए अध्यक्ष जी को और कितनी दौड़ भाग हमें करनी पड़ी हम ही जानते हैं, लेकिन हमारे विभागीय अधिकारियों के विपरीत रहने के बाद ही किस तरह से आदेश करवाया अध्यक्ष जी इस बात को भली भांति जानते हैं। और अब जो बैठक हुई है 35 बिंदु साथियों उसमें है, जिसमें से 5 बिंदु छात्रों के हित के, विद्यालय हित के और शिक्षण हित के हैं, उनको भी हमने प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि आपने शिक्षकों की हित के लिए हमें चुना है तो वो भी होगा, लेकिन विद्यालय कैसे मजबूत होंगे, कैसे छात्रों की पहुंच हमारे विद्यालय तक बढ़ेगी, इसके लिए भी संगठन मित्रों कार्य कर रहा है।
अभी लगभग सहमति है 5400 ग्रेड पे चाहे प्रवक्ता हो चाहे एलटी हो राजपत्रित घोषित होगा। हम अपनी इस बात को समझाने में अभी तक सफल रहे हैं कि राजपत्रित होने से आहरण वितरण की समस्या का निदान हो जाएगा। साथ ही पदोन्नति जो मुख्य बिंदु है इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं मुझे इस मंच के माध्यम से कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिन साथियों की पदोन्नति 6 अगस्त 2010 को हुई और उनको जो वरिष्ठताएं दी गई हैं वो पदोन्नति के पद थे, वो उनका अधिकार था, लेकिन विभाग ने थोड़ा से गलतियां उसमें की हैं। कई साथी जिस स्थिति पर पदोन्नत हुए वो पीजी नहीं थे, तो मुझे लगता है इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए कि जब प्रवक्ता बने उस स्थिति पर पीजी होना जरूरी है। दूसरा, एलटी में 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रवक्ता बनना है, तो 5 वर्ष की सेवा जिस दिन हो गई उस दिन उनका प्रवक्ता बनने का राइट हो गया। हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि उनको यहाँ दो वहां दो, लेकिन जो पदोन्नति का पद रिक्त था वो अधिकार है, 5 वर्ष होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, वहीं पर हमने समस्या का निदान करवाने की ओर हम आगे बढ़े हैं। ये हमने कहीं नहीं कहा है, यहाँ मिले वहां मिले, अखबार वालों ने अपनी ओर से क्या लिखते हैं ये हमें इसमें नहीं जाना है, लेकिन जो मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, तथ्यात्मक कह रहा हूँ और जो हमने अपने लिखित में दिया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। सामान्य साथियों, हमारा उसी में चयन प्रोन्नत वेतन वृद्धि 28 दिसंबर 2016 को सप्तम वेतनमान राजाज्ञा 290 से लागू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने सभी के लिए एक राजाज्ञा लागू की और उसके प्रस्तर 13 में 2/1/16 के बाद चाहे पदोन्नत हो चाहे चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ हो एक वेतन वृद्धि देते हुए अगले प्रक्रम में अगले जो है जो पुस्तिका है उससे आगे बढ़ते हुए अगले लेवल में वेतन निर्धारण होगा। लेकिन ठीक जो है उसके बाद हमने पुनः परीक्षा की 2 अगस्त 2017 को राजा की 140 निकली, फिर कहा शिक्षकों पर लागू है, सूचना के अधिकार मेरे पास रखे हैं लागू है। अचानक हमारे विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, विभाग ने प्रस्ताव भेजा, क्या दिक्कत थी हमें नहीं पता, विभाग ने प्रस्ताव भेजा और 6 अगस्त 2019 को राज्य के 150 निकलती है वेतन वृद्धि की जगह अगला प्रक्रम अगला कोष्टिका कर दिया और एक वेतन वृद्धि कम करने का कार्य वहीं से प्रारंभ हुआ। अभी जो हमारी 4 तारीख को प्रांतकारी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उस बैठक में मान्य सचिव थे, अपर सचिव थे, महानिदेशक थे, वित्त नियंत्रक थे, पुरजोर ढंग से बात को रखा गया, हमारे मंडलीय और जनपद पदाधिकारी साथ में थे कि भाई ये व्यवस्था थी और वित्त ने क्यों ऐसा किया और क्या हो सकता विभाग को पड़ी ये कहने की कि भाई शिक्षकों को जो है एक ज्यादा क्यों दे रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन मित्रों, देर हो सवेर हो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, अंधेर नहीं होगा, वेतन वृद्धि मिलेगी और मिलकर रहेगी, चाहे किसी भी स्तर पर इसके लिए जाना पड़ेगा।